दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बिना किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड किए हुए आप अपने मोबाइल में किसी भी एप्लीकेशन को लॉक कैसे लगा सकते हैं। अगर आप भी अपने मोबाइल में एप्लीकेशन को लॉक लगाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। आप आज की इस वीडियो को पूरी लास्ट तक देखते रहिए ताकि आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं पड़े। तो चलिए सिंपली वीडियो को शुरू करते हैं। सिंपली आपको करना क्या है, मैंने आपको बताया कि कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करने की कोई जरूरत नहीं है। तो सिंपली आपको अपने सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में चले जाने के बाद आपको ऐप लॉक सर्च कर लेना है। सिंपली यहां पर जाएंगे ऐप लॉक, इस तरह से बिल्कुल आपको सर्च कर लेना है। उसके बाद आपके पास इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। ये रेडमी कंपनी का मोबाइल है तो इसमें ऐप लॉक लिखा हुआ, हो सकता है कि वीवो का या कोई और अदर कंपनी हो तो वहां पर सिक्योरिटी करके कुछ लिखा होगा। तो सिंपली आप ऐप लॉक या सिक्योरिटी करके सर्च कर सकते हैं। तो नहीं तो नॉर्मली आपको सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पर जो ऐप्स है सिंपली इसी ऐप्स पे क्लिक कर लेना है। और इसका यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐप लॉक सबसे नीचे में लिखा हुआ है, तो सिंपली आपको यहीं पर जाना, क्लिक कर लेना है। और इसका यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं कि ऐप लॉक का मेरे जो एप्लीकेशन है खुल गया चुका है। तो नीचे में सिंपली टर्न ऑन दे रहा है, सिंपली हम यहाँ पर जाके क्लिक करेंगे। और इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले मुझे एक पासवर्ड सेट करना होगा सिंपली, तो चलिए हम अपना पासवर्ड यहाँ पर सेट कर लेते हैं। और इसके बाद यहाँ पर मेरे पास आ रहा है रेडमी का अकाउंट ऐड करने के लिए। अगर आपके पास किसी अदर कंपनी का होगा तो उसका भी अकाउंट ऐड करने के लिए बोलेगा, तो सिंपली हम इसको भी नोट नाउ करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐप लॉक में ये सारे कुछ एप्लीकेशन मेरे पहले से टिक दिए हुए कि अगर इसको लॉक लगाना चाहते हैं तो सिंपली लॉक लगा सकते हो। तो सबको पहले मैंने अनचेक कर दिया। उसके बाद सिंपली जो नीचे लिखा हुआ है यूज ऐप लॉक, तो सिंपली हम यहीं पे गए क्लिक किए। और इसके बाद मेरे मोबाइल में फिंगरप्रिंट पहले से सेट है, तो फिंगरप्रिंट अगर हम लगाना चाहते हैं तो सिंपली यहां पर जो फिंगरप्रिंट का साइन है सिंपली आपके मोबाइल में जहां पर भी होगा वहां पर क्लिक कर देंगे। और इसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर में ऐप लॉक लिखा हुआ आ रहा है। और इसके बाद यहां पर देख सकते हैं कि वो सारे एप्लीकेशन है जिसको मैं ऐप लॉक लगा सकता हूँ अपने मोबाइल के अंदर बिना किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड किए हुए। तो चलिए सिंपली मैं एक एप्लीकेशन में लॉक आपको लगा कर दिखा देता हूँ। जैसे कि मेरे पास एक व्हाट्सएप है, मैंने उसको लॉक लगा दिया। और इसके बाद कुछ और भी सेटिंग है जो मैं आपको बाद बताऊंगा, पहले मैं आपको इस व्हाट्सएप को दिखा देता हूँ। तो सिंपली यहाँ पर देख सकते थे कि मेरा ये वही व्हाट्सएप है जिसपे मैंने ऐप लॉक लगाया। चलिए हम सिंपली इस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा पैटर्न खुल चुका है और उसके बाद मेरा व्हाट्सएप भी खुल चुका है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर कुछ खास चीजें बताने वाला, जैसे कि आपको सिंपली उसी एप्लीकेशन में जाना है। और इसके बाद यहां पर ऊपर सबसे ऊपर सेटिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सिंपली यहीं पर जाना आपको क्लिक कर लेना। और इसके बाद यहां पर कुछ चीजें हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो सिंपली यहां पर आप देख सकते हैं कि ऐप लॉक तो मेरा इनेबल है ही। और दूसरी बात है लॉक सेटिंग, यहां पर लिखा हुआ व्हेन डिवाइस इज लॉक्ड और आफ्टर एग्जिट ऐप। इसमें कुछ सेटिंग है जैसे कि अगर एक बार ऐप का लॉक खोल देते हैं तो दोबारा आपको खोलने की जरूरत नहीं है जब तक कि आप अपने मोबाइल का ऑन ऑफ नहीं करते हैं। और दूसरा ऑप्शन है व्हेन डिवाइस इज लॉक्ड और आफ्टर एग्जिट ऐप। अगर आप एप्लीकेशन को एग्जिट एक बार भी करते हैं उसके बाद फिर से खोलते हैं तो आपको फिर से वो पासवर्ड देना पड़ेगा सिंपली। और उसके बाद नीचे दिया हुआ हाइड नोटिफिकेशन कंटेंट, कभी कभी क्या होता है कि आपका व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आता है तो ऊपर से आपको मालूम चल जाता है कि मैसेज में क्या लिखा हुआ है, तो अगर आप उसको भी हाइड करना चाहते हो तो सिंपली यहाँ से जो ऑन ऑफ है सिंपली उसको ऑन कर देंगे। और उसके बाद नीचे आते हैं और उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ चेंज पासवर्ड टाइप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसके बारे में आपको थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ। तो सिंपली इस पे जाना आपको क्लिक कर लेना। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ पैटर्न, अगर आप पैटर्न लॉक लगाना चाहते हैं आप अपने एप्लीकेशन लॉक में तो सिंपली यहाँ पर जाकर आप अपना पैटर्न लॉक यहाँ से सिंपली सेट करेंगे। नहीं तो अगर आपको लगाना है यहाँ पर पिन लॉक, सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चार अंक का पिन लॉक है, तो सिंपली यहाँ पर जाएंगे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, एक बार फिर से आप डाल के इसको कंफर्म कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा ये जो पासवर्ड है पिन लॉक अब लग चुका है। या अगर आपको पासवर्ड लगाना हो तो सिंपली यहाँ से आप अपना पासवर्ड भी डाल सकते हैं। तो नॉर्मली ये कुछ चीजें था। और उसके बाद सबसे नीचे अनलॉक विथ फिंगरप्रिंट, अगर आप अपने फिंगरप्रिंट के साथ भी खोलना चाहते हैं तो इसको ऑन करेंगे, अगर नहीं खोलना चाहते तो सिंपली इसको ऑफ करेंगे, अगर फेस लॉक यूज करना चाहते हो तो फेस लॉक को इनेबल कर देंगे। तो चलिए सिंपली मेरे पास ये सारा कुछ सेटिंग था जो मैंने आपको बता दिया और ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए जानना। तो चलिए एक बार फिर से हम अपने व्हाट्सएप को खोल लेते हैं और उसका जो मैंने नया पासवर्ड का सेटिंग सेट किया वो मैं देख लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने पिन लॉक लगाया था और उसका यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पिन लॉक आ चुका है। तो चलिए मैंने जो पासवर्ड यहाँ पर लगाया था वो डाल लेता हूँ। उसका यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खुल के आ चुका है। और दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी आफ्टर एग्जिटिंग ऐप, जैसे ही मैं एप्लीकेशन से बाहर होगा और फिर एप्लीकेशन के अंदर जाऊंगा तो मुझे पासवर्ड देना पड़ेगा। तो सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल वही सिस्टम है, एप्लीकेशन से बाहर आया और एप्लीकेशन को खोला तो बिल्कुल मुझे इसी तरह का पासवर्ड देना पड़ेगा। तो आप समझ चुके होंगे कि आपको बिना किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड किए हुए आप अपने ऐप में लॉक लगा सकते हैं। ये सारा प्रोसेस आपको समझ में आ चुका होगा। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए गुड बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।